21 में हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज हम वेक्टर आपको पढ़ाएंगे। वेक्टर में स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती है, ठीक है? ठीक है, तो वेक्टर में क्या रहेगा आपका, ठीक है, वेक्टर एलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो वेक्टर में क्या स्केलर और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ये यहाँ पे हम बताएंगे रिप्रेजेंटेशन। चले, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर देखो इस तरह से, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर होता है और बी वेक्टर, ए और बी, ए पॉइंट होता है, बी आपका ये दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए, तो इधर देखिए, जो फर्स्ट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और लास्ट वाले को बी बी जो है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हो गए। तो ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट हो, कभी कभी क्या है कि यहाँ पे एक सिंबल से इस तरह सिंबल जो होता है ए बी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका होता है यहाँ पे। चलिए, अब देखिए यहाँ तक हो गया। चलिए, अब इसके बाद, ठीक है, ये जो इसका अगर मॉड लगा देते हैं मॉड, तो इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, या इसको कभी कभी ये ही आपका लेंथ होगा, ठीक है, तो ये ही आपका क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, तो यही लेंथ में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडुलस, और इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसी को जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, तो इसको मैग्नीट्यूड ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर, मॉड ऑफ ए बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, अब क्या इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, चलिए यहाँ पे वैसे हम बता देते हैं आपको, कोई भी एक वेक्टर है उसमें आप एन का मल्टीप्लाई स्केलर का कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एम का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या है, स्केलर का प्रोडक्ट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्लियर हो गया। चलिए, अब इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इक्वल वेक्टर। चलिए, इक्वल वेक्टर, चलिए इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, एक ऐसे वेक्टर जिनका ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर होते हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों ही इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर कब होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगी, वो ही इक्वल वेक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो, मान लीजिए ए है, अगर इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है तो ये यूनिट वेक्टर है, समझ में आ गया। और यूनिट वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फॉर्मूला होगा, यानी यूनिट वेक्टर आपका निकालना है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, इस तरह निकालते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं,
ठीक है। कभी ये भी यूज होता है, पर मेन फॉर्मूला ये है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको कोई एक वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप सीधा सीधा बोल लो ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है जीरो वेक्टर, जीरो, और इसको हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो, ठीक है, या फिर इसका मैग्नीट्यूड सेम। मान लो कोई एक वेक्टर ए बी है, यूनिट वेक्टर कब होगा, जब ए बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका इनिशियल स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, ये रहता है ना वेक्टर, ए पॉइंट ये हो गया, बी हो गया, दोनों एक ही पाए, यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है, तो ये जीरो पॉइंट, जीरो वेक्टर, वो जीरो वेक्टर हो जाता है, या फिर नल वेक्टर इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। चलिए अब इधर देखिए, कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर ये क्या होता है, मैं आपको बताते जाते। कॉलिनियर वेक्टर क्या होगा, जैसे ए ए हो गया, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। इस पे क्या है कि ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए या फिर ये देखो, ये हो गया, ये कॉलिनियर वेक्टर होता है। वेक्टर के ऊपर एक कम पार्ट के लिए चीज़ हो जाए, उसको हम कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यानी इस वेक्टर आ गया, इस पे जहाँ तक होगा, ये कॉलिनियर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये कभी कभी इस तरह देता है, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, समझ गए आपका वो कैसे है, तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ए वेक्टर टू आई कैप जे कैप सिक्स के कैप, ठीक है। बी वेक्टर पे आ जाओ, ठीक है, बी वेक्टर आपका हो गया फोर आई टू जे ट्वेल्व के, टू टू आई, ठीक ठीक है। तो b वेक्टर इक्वल टू टू ए वेक्टर, कैसे भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो आपको कंडीशन तो जैसे यहाँ पे ये बताई थी आपने, यहाँ पे जो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू ए बी वेक्टर वन बाई टू बी वेक्टर हो गया। तो लेमडा, क्लियर हो गया। तो ये आपका कॉलिनियर वाला होता है, ठीक है। चले अब इसके बाद होता है लाइक और अनलाइक वेक्टर, ठीक है। सेम डायरेक्शन होगा, ये लाइक वेक्टर है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये अनलाइक वेक्टर होगा, क्लियर। कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर एक ही प्लेन पे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दो वेक्टर बना दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये दोनों क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। एक हमने क्या किया कि आपको एक लाइन यहाँ पे खींच दी, और एक लाइन हमने मान लो नोटबुक हमारे पास रखी है उस पे खींच दी, समझ रहे हो। कहने का मतलब आप दो अलग अलग नोटबुक पे एक एक लाइन खींच दो, तो वो आ जाएगी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। को इनिशियल क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे हम बहुत से वेक्टर निकाल सकें, ठीक है। तो ए वेक्टर बी, क्लियर हो गया। तो ए बी सी डी, क्लियर हो गया। चलिए ए बी, चलिए तो अब इधर माइनस कर दो, क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। कभी जब भी आप जैसे ए बी लिखा है, बी ए लिखोगे तो माइनस वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसमें, समझ रहे। ए बी, अगर इसको उल्टा कर दोगे बी ए,
क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल लॉ या फिर जो एडिशन लॉ रहता है ट्रायंगल का या फिर पैरेललोग्राम का, वो हम समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ए बी, ठीक है, सी, ठीक है, चलिए अब इधर देखिए ए बी सी, ठीक है, तो ए बी बी सी ए सी, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर आपका क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इधर देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरी साइड ये हो गया मान लो, ठीक है, आप इसको इस तरह दिखा दो बी वेक्टर। ठीक है, अब इधर देखो होगा क्या, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे आप इधर, ठीक है, बी वेक्टर, ये तो ये इस तरह से यहाँ से ऐड होके इस तरह से बन जाता, तो ये जो आया ए प्लस बी वेक्टर, कभी कभी इसको ये रिजल्टेंट भी बोलते हैं, क्वेश्चन में आएगा रिजल्टेंट, तो यही हो गया। क्लियर? यानी आपका ये और ये में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं पड़ा क्या, पैरेललोग्राम वाला रोड ट्रायंगल जैसा ही रहता है, पर आपको क्या रेड रेड वाले जो दिख रहे हैं ए और बी, ये आपको दिए रहेंगे, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते, बनता वैसे ही, ठीक है, दोनों का एक ही रिजल्टेंट बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमको देखिए लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, तो एक कोई एक वेक्टर है आर, ठीक है, आर ये वेक्टर है, सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा गिवन वेक्टर ए बी सी। ठीक है, तो इधर देखिए इसको जब वो स्केलर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, तो लीनियर का इक्वेशन ये बनता है, समझ में आ गया, इस टाइप का एक इक्वेशन बनेगा लीनियर, यानी आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए बाई बी और जेड सी डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, कुछ क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉलिनियरिटी हमको निकाल लें, थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट अगर कॉलिनियर होंगे, जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर होंगे तो हमने आपको बताया था पैरेलल कंडीशन वही कॉलिनियर कंडीशन है, वहाँ पे हमने जब दो वेक्टर थे तो हमने ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर ये बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए वेक्टर बाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर, ए बी जो एक्स वाई जेड ये सभी स्केलर हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू जीरो होगा तभी ये कॉलिनियर होंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, इन सभी का अगर आप प्लस करोगे सम करोगे तो ये भी आपको जीरो ही मिलेगा, समझ में आ गया, तो इस तरह का रहता है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए अब हम इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट हैं उन पे आते हैं। कोप्लेनरिटी या कोलिनियरिटी सब में एक ही कंसेप्ट रहता है, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कितने भी वेक्टर हों, अगर वो कोलिनियर होंगे या फिर वो अदर होंगे, तो ये होगा ए वेक्टर, ये मान लो एक्स ए वेक्टर बाई बी वेक्टर, ठीक है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं या कोप्लेनर हैं तो ये कंडीशन बने, तीन वेक्टर हैं तो ये किसी में ऐड हो जाएगा, चौथा वेक्टर है तो वो इसी में ऐड हो जाएगा, इस तरह से आपका बनता रहेगा। ठीक है, 21 में हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो आज हम वेक्टर आपको पढ़ाएंगे, वेक्टर में स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, ठीक है, तो वेक्टर में क्या रहेगा आपका, ठीक है, वेक्टर एलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब देखो वेक्टर में क्या स्केलर और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है,
जिनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ये यहाँ पे हम बताएंगे रिप्रेजेंटेशन। चले, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर देखो इस तरह से, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर होता है और बी वेक्टर, ए और बी, ए पॉइंट होता है, बी आपका ये दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए, जो फर्स्ट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और लास्ट वाले को बी जो है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हो गए, तो ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट हो। कभी कभी क्या है कि यहाँ पे एक सिंबल से इस तरह सिंबल जो होता है ए बी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका होता है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसके बाद, ठीक है, ये जो इसका अगर मॉड लगा देते हैं मॉड, तो इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, या इसको कभी कभी ये ही आपका लेंथ होगा। ठीक है, तो ये ही आपका क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो यही लेंथ में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडुलस, और इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किसी को जब भी मैग्नीट्यूड निकालते मॉड निकालते, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, तो इसको मैग्नीट्यूड ये हो गया आपका एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर, मॉड ऑफ ए बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब क्या, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, यहाँ पे वैसे हम बता देते हैं आपको, कोई भी एक वेक्टर है उसमें आप एन का मल्टीप्लाई स्केलर का कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एम का भी मल्टीप्लाई कर सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, स्केलर का प्रोडक्ट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर हो गया। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इक्वल वेक्टर। चलिए इक्वल वेक्टर, चलिए इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, एक ऐसे वेक्टर जिनका ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर होते हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों ही इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर कब होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगी, वो ही इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो। मान लीजिए ए है, अगर इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है तो ये यूनिट वेक्टर है। समझ में आ गया। और यूनिट वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फॉर्मूला होगा, यानी यूनिट वेक्टर आपका निकालना है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, इस तरह निकालते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कभी ये भी यूज होता है, बस मेन फॉर्मूला ये है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको कोई एक वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप सीधा सीधा बोल लो ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है जीरो वेक्टर। जीरो, और इसको हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो, ठीक है, या फिर इसका मैग्नीट्यूड। मान लो कोई एक वेक्टर ए बी है, यूनिट वेक्टर कब होगा, जब ए बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका इनिशियल स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, ये रहता है ना वेक्टर, ए पॉइंट ये हो गया, बी हो गया, दोनों एक ही पाई, यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है, तो ये जीरो पॉइंट जीरो वेक्टर, वो जीरो वेक्टर हो जाता है, या फिर नल वेक्टर इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। चलिए अब इधर देखिए, कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर ये क्या होता है, मैं आपको बताते जाते। कॉलिनियर वेक्टर क्या होगा, जैसे ए हो गया, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, इस पे क्या है कि ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए या फिर ये देखो, ये हो गया, ये कॉलिनियर वेक्टर होता है, वेक्टर के ऊपर एक कम पार्ट के लिए चीज़ हो जाए उसको हम कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं, यानी इस वेक्टर आ गया इस पे जहाँ तक होगा ये कॉलिनियर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये कभी कभी इस तरह देता है, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, समझ गए आपका वो कैसे है, तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ए वेक्टर टू आई कैप जे कैप सिक्स के कैप, ठीक है, बी वेक्टर पे आ जाओ, ठीक है, बी वेक्टर आपका हो गया फोर आई टू जे ट्वेल्व के, टू टू आई, ठीक है, तो बी वेक्टर इक्वल टू टू ए वेक्टर, कैसे भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो आपको कंडीशन तो जैसे सर यहाँ पे ये बताई थी आपने, यहाँ पे जो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू ए बी वेक्टर वन बाई टू बी वेक्टर हो गया, तो लेमडा क्लियर हो गया, तो ये आपका कॉलिनियर वाला होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद होता है लाइक और अनलाइक वेक्टर, ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा, ये लाइक वेक्टर है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये अनलाइक वेक्टर होगा, क्लियर। कोप्लेन और नॉन कोप्लेन एक ही प्लेन पे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दो वेक्टर बना दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये दोनों क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। एक हमने क्या किया कि आपको एक लाइन यहाँ पे खींच दी और एक लाइन हमने मान लो नोटबुक हमारे पास रखी है उस पे खींच दी, समझ रहे हो, कहने का मतलब आप दो अलग अलग नोटबुक पे एक एक लाइन खींच दो तो वो आ जाएगी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। को इनिशियल क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे हम बहुत से वेक्टर निकाल सकें, ठीक है, तो ए वेक्टर बी, क्लियर हो गया, तो ए बी सी डी, क्लियर हो गया। चलिए ए बी, चलिए तो अब इधर माइनस कर दो, क्लियर हुआ, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो जब भी आप जैसे ए बी लिखा है बी ए लिखोगे तो माइनस वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसमें, समझ रहे, ए बी, अगर इसको उल्टा कर दोगे बी ए, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल लॉ या फिर जो एडिशन लॉ रहता है ट्रायंगल का या फिर पैरेललोग्राम का, वो हम समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है अब इधर देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ए बी, ठीक है, सी,
ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, ए बी सी, ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर आपका क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इधर देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरी साइड ये हो गया मान लो, ठीक है, आप इसको इस तरह दिखा दो बी वेक्टर। ठीक है, अब इधर देखो होगा क्या, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे आप इधर, ठीक है, बी वेक्टर, ये तो ये इस तरह से यहाँ से ऐड होके इस तरह से बन जाता, तो ये जो आया ए प्लस बी वेक्टर, कभी कभी इसको ये रिजल्टेंट भी बोलते हैं, क्वेश्चन में आएगा रिजल्टेंट, तो यही हो गया, क्लियर। यानी आपका ये और ये में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं पड़ा क्या, पैरेललोग्राम वाला रो ट्रेंगल जैसा ही रहता है, पर आपको क्या रेड रेड वाले जो दिख रहे हैं ए और बी, ये आपको दिए रहेंगे, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते, बनता वैसे ही, ठीक है, दोनों का एक ही रिजल्टेंट बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमको देखिए लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है, तो एक कोई एक वेक्टर है आर, ठीक है, आर ये वेक्टर है, सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा गिवन वेक्टर ए बी सी, ठीक है, तो इधर देखिए इसको जब वो स्केलर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, तो लीनियर का इक्वेशन ये बनता है, समझ में आ गया, इस टाइप का एक इक्वेशन बनेगा लीनियर, यानी आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए बाई बी और जेड सी डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा, ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, कुछ क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉलिनियरिटी हमको निकाल लें, थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट अगर कॉलिनियर होंगे, जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर होंगे तो हमने आपको बताया था पैरेलल कंडीशन वही कॉलिनियर कंडीशन है, वहाँ पे हमने जब दो वेक्टर थे तो हमने ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर ये बताया था आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स ए वेक्टर बाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर, ए बी एम जो एक्स वाई जेड ये सभी स्केलर हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू जीरो होगा तभी ये कॉलिनियर होंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, इन सभी का अगर आप प्लस करोगे सम करोगे तो ये भी आपको जीरो ही मिलेगा, समझ में आ गया, तो इस तरह का रहता है, क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए अब हम इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट हैं उन पे आते हैं, कोप्लेनरिटी या कोलिनियरिटी सब में एक ही कंसेप्ट रहता है, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कितने भी वेक्टर हों अगर वो कोलिनियर होंगे या फिर वो अदर होंगे तो ये होगा ए वेक्टर, ये मान लो एक्स ए वेक्टर बाई बी वेक्टर, ठीक है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं या कोप्लेनर हैं तो ये कंडीशन बने, तीन वेक्टर है तो एक इसी में ऐड हो जाएगा, चौथा वेक्टर है तो वो इसी में ऐड हो जाएगा, इस तरह से आपका बनता रहेगा, ठीक है। इधर देखिए अब हम यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर हैं, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होगा थीटा, समझ में आया, तो ए डॉट बी हमको निकालना है, ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मॉड ऑफ बी भी बोल सकते हो, ये होगा आपका कॉस थीटा, समझ में आ गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक हो गए ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ प्रॉपर्टी रहती है ठीक है। अब जैसे इधर देखिए, इसमें थीटा की वैल्यू क्या रहती है, सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या रहती है, जीरो और पाई ठीक है। जीरो से पाई के बीच में कुछ भी हो सकती है थीटा की वैल्यू ठीक है। उसके यहाँ तक हो गया ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। इसके बाद इधर देखिए, इसमें जैसे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, समझ रहे हो। कोई भी यानी वेक्टर नहीं आएगा, दो दो डॉट वेक्टर का प्रोडक्ट एक रियल नंबर होता है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर किसी कॉन्स्टेंट, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया ए डॉट और बी में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बी में मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एम ए डॉट बी, तीनों एक ही हैं, कैसे भी लिख सकते हो, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, अगर ए डॉट आपको बी वेक्टर सम सी वेक्टर दिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यहाँ तक हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। एक और होता है मैग्नीट्यूड होता है, अगर दो वेक्टर सेम हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको हम मॉड ऑफ ए का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह पूछा जाता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये मॉड ऑफ ए हो गया तो ये इस तरह से क्यों हो गया, वो क्वांटिटी आ गई, समझ रहे हो, समझ में आ गया। तो ये मॉड हट गया कि नहीं हुआ तो बस बात एक ही होती है ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही चीज़ आएगी इसकी ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं इसमें, जैसे कोई भी दो वेक्टर है, जैसे ए डॉट बी वेक्टर है, इसका रिजल्ट जीरो है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर, ये आगे हम बताएंगे ठीक है। अभी तो यहाँ तक इतना ही समझ लिए, किस तरह से निकलता है वो हम आगे आपको समझाएंगे ठीक है। चलिए अब क्या होता है, इधर देखिए, अब क्या होता है, आई वेक्टर का आई के साथ, जे वेक्टर का जे के साथ ठीक है, और के वेक्टर का के साथ अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या निकल के आता है, वो वन आता है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ अगर प्रोडक्ट निकल के आता है तो प्रोडक्ट आता है वन ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये आता कैसे, जब आपको सीधा सीधा बता रहा है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, जो भी फॉर्मूला होता है हमारा, तो फॉर्मूले पर आ जाते हैं ठीक है। फॉर्मूला हमारा होता है ए वैक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, ए वेक्टर भी अपना क्या है आई, बी वेक्टर भी आई है ठीक है, आई कैप है ठीक है, तो आई डॉट आई कैप, ध्यान से समझना, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ आई, और इन दोनों को आई वेक्टर क्या रहता है, वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार और हम बता रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और ये आपका जेड ठीक है, ये हो गया ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये इस तरह से होता है। तो ये होता है आई, ये होता है जे, और ये होता है के, आई जे के इस तरह से होता है, क्लियर हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। अब देखो आई आई दोनों एक ही पे हुए, एक ही लाइन पे हुए कि नहीं हुए, ये भी मान लो आपका आई वेक्टर, यहाँ भी बता रहे दूसरा आई वेक्टर यहीं तो होगा, समझ रहे। तो एंगल क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल जीरो ठीक है। अब देखो आई डॉट आई यही दिख रहा है, यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, कैप लगा होता है उसका, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है ठीक है, वन इंटू वन और कॉस भी इंटू वन, यानी आई डॉट आई
या फिर कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आता है, तो वो ही ऊपर हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखो फॉर्मूला यही रहेगा। चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आई और ये जे, इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। हम बात करेंगे आई का जे में, या जे का के में, या के का आई में, तो ये हमेशा 0 होता है, क्योंकि तो कॉस 90 हो गया नहीं, ये कॉस 90 तो 0 ही कर देगा उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे हम को अगर इधर देखिए दो वेक्टर दिए गए, मान लीजिए एक ए वेक्टर दिया गया है ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप। बी वेक्टर है आपका ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप। तो आप यहाँ पे निकाल लाए हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इनको आप लिखोगे तो आई कैप बी वन जे कैप सी वन के कैप डॉट प्रोडक्ट ए टू आई बी टू जे, ठीक है। ये आपका जे हो जाएगा और सी टू के कैप, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रख, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करो, जे वालों का जे के साथ, के वालों का के साथ, तो वही निकलता आएगा आपका। यानी आप ए डॉट बी निकालोगे, ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू, यहाँ तक आ गया। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट ये रखना है। अब इसी से आपका एक एंगल बिटवीन पूछा है, इधर देखिए एंगल भी पूछता है। जैसे ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आपकी आ गई। ऐसे लिखो, या फिर ऊपर जो दिख ही रहा है आपको, मान लीजिए ऊपर वाला है, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। अगर उस जैसा होगा तो आप ऐसे लिखो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, अपॉन में आ जाएगा ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, दूसरा वाला ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है कि तीन वेक्टर होंगे और हम उनको, ठीक है। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको करने का जो तरीका रहता है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक। चलिए तो अब इधर देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको तीन वेक्टर दिए जाएंगे। मान लीजिए ए वेक्टर है आपका, ठीक है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। तीन वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, समझ रहे हो। यानी सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि आपको देखो डॉट प्रोडक्ट को ए बी और सी इस तरह से बताते हैं, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी हो गया, अब ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये होगा ए डॉट और जो बचे हुए हैं वेक्टर, ये वेक्टर का साइन लगा लो सभी पे, ठीक है, जो बचे हुए हैं, ठीक है, उनका ये हो गया। तो ए बी और सी ये आपका
प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है, ठीक है, एक वेक्टर का डॉट बचे हुए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, इसमें क्या रहता है कि अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो सब हम आपको बताते जाएंगे। इधर देखिए इसमें क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट देखिए, ए पी क्रॉस सी ये लिखो, या ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। चलिए या देखो, या फिर सी क्रॉस ए डॉट बी, इस तरह से हुआ। ये तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, तो इस तरह से आप बोल सकते हो ए बी सी इस तरह से था, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे ये हो गया ए बी सी, चलिए ठीक है, ए बी सी ले लो, ठीक है, या फिर आपको बी सी ए, चलिए, या फिर सी ए बी, ये तीन इक्वल होते हैं, ठीक है। जब भी आप करोगे इक्वल होंगे। इनमें एक चीज आप ध्यान रखना, ए बी सी ऐसे ही आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए बी सी। अगर इसको आप थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो, समझ रहे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्लियर चल रहा है। अगर आपको ये दिख रहा है ए बी सी, चले अब इधर देखो, अगर हम इन दोनों को, इन दोनों को चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, बी ए सी। अब देखो यहाँ पे जो साइकिल है वो कंप्लीट, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, अगर इस तरह लिखा है तो माइनस आएगा, समझ रहे हो, ए बी सी के अलावा कुछ भी आता है तो, जैसे सी, सी के बाद ए आना था, हमने बी लिख दिया माइनस, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए और बी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। कभी कभी आपको इस तरह से भी दिख सकता है, चलिए यहाँ पे, ठीक है, ए वेक्टर बी, ठीक है, और सी और डी, तो यहाँ पे आप, चले अब इधर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करो इसको, चले ए वेक्टर सी डी, चले सी डी, क्लियर हो गया। चलिए चले अब इधर देखिए, अब इसमें क्या होगा, अगर कोप्लेनर हुआ, अगर तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा, कोप्लेनर कंडीशन ए बी सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होगा, आर कोप्लेनर, क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है, डॉट डॉट तो हमने समझा दिया। अब इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट में थोड़ा और आ गया, अब यहां पे तीन वेक्टर हैं आपको ए बी सी, अगर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है,
वेक्टर, बी वेक्टर, सी। चले चले ए वन, ए टू, ए थ्री, थ्री है ये, ठीक है, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह का आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होंगी उन पे आएंगे। चलिए अब इधर देखिए, इसमें पॉइंट क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इसका सेकंड पॉइंट होगा आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जीरो होगा, तीसरे पे आ जाओ। अब सी वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर, क्लियर हुआ ये। चलिए अब इधर देखिए, हम टेट्राहेड्रॉन की बात करेंगे हम, इसमें क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लो इसका वॉल्यूम रहता है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपका रहेगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्लियर हो गया, ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब यहाँ पे चलिए अब इधर देखिए, ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है, ठीक है, तो इधर देखो ए डैश वाला ये आ गया, ठीक है, बी डैश आपका ये आ गया, सी डैश ये हो गया। चले ए डैश, बी डैश, सी डैश, तो ए डैश, बी और सी डैश ये रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर होंगे, तो वेक्टर का साइन भी लगा लेना, ठीक है। चलिए चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बताएंगे, अगर ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर, बी वेक्टर, बी डैश वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये वन होगा, समझ रहे हो, आपका उपन क्यों होगा, क्योंकि इधर देखिए ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए डैश है या बी डैश है या सी डैश है, ठीक है, तो ये इसमें अगर किसी दूसरे का डॉट होता है तो वो ही आ जाता है, समझ रहे हो, कहने का मतलब, जैसे मान लो ए और ये बी क्रॉस सी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ए बी और सी, तो ऊपर भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हो जाएगा, इधर भी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हो गया, तो ये वन आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, चलिए चलिए सी डैश इक्वल टू जीरो होता है, समझ रहे हो, अगर ए डॉट ए डैश
बी डैश सी डैश ए बी सी अपॉन में हो गया। ठीक है, ए बी सी यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है, रेसिप्रोकल के। चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तीन वेक्टर रहेंगे तो आप इस तरह से बोल सकते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इधर देखिए इसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इधर देखिए इसको बिल्कुल याद कर लेना, इस फॉर्मूले को ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, तो बी वेक्टर इधर आ गया माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए अब ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हैं, तो ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। ठीक है, अब देखिए इसके फोर प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, तो देखो डॉट प्रोडक्ट सी डॉट डी इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे ए डॉट सी डी B डॉट C क्लियर हो गया, तो ठीक है, अब इसी तरह से आपको ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बढ़िया है। चलिए अब इधर देखिए लैग्रांज आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इधर देख इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, क्लियर हो गया। तो यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट होगा आपका ए क्रॉस बी, ये यहां पे थोड़ा सा चेंज होने लगा, इसको कर देते हैं लो, चलिए ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, कुछ प्रॉपर्टी रहती है वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जैसे आई क्रॉस आई, ठीक है, या जे क्रॉस जे k क्रॉस k इक्वल टू जीरो, यही होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे i क्रॉस j k होता है k i, ठीक है, इक्वल टू j, क्लियर हो गया, तो इस तरह का रहता है, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करोगे आपको तो नेगेटिव मिल जाएगा, क्लियर हुआ। जैसे मान लो जैसे आई है, आई के पास जे आना चाहिए, के आ गया, समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे जे के बाद आई आ गया तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया ये, तो इस तरह से नेगेटिव आ जाता है इसमें। ठीक है,
मेन चीज आ जाते हैं, मेन जो रहता है वो, अगर ए वेक्टर आपको दिया है ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी वेक्टर बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, ए क्रॉस बी आई के, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी रहती है इसी में। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, इसके थोड़े और फॉर्मूले देखते हैं हम। ये वेक्टर वाले बता रहे हैं, तो सभी ये प्रॉपर्टी आप देखते जाना। तो वेक्टर में रहता है स्केलर वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर, नल यूनिट वेक्टर, लाइक कोलिनियर, तो ये प्रॉपर्टी होंगी। इनको आप थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, इनको सबको देखते जाना और जो भी डाउट आए वो आप पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि इतनी थ्योरी एक साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन मेन पॉइंट थे वो हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इन सभी को आप देखते रहना। ठीक है, ये हम आपको यहाँ से दिखाते भी जा रहे हैं इसको। ठीक है, ये आप देखते जाइए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, इनको थोड़ा सा ये सभी हमने समझा दिए, क्वेश्चन है कुछ थोड़ा सा टाइम कम था, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, बाद में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये आपका हम यहाँ पे आपको दिखाते जा रहे हैं। तो ये आपको हम यहाँ पे दिखाते जा रहे हैं, सभी आपको खुद ट्राई करने हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको सब पढ़ा दिया है, समझा दिया है, इसमें जितना भी टाइम था इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। अब टाइम तो लगता ही है नहीं, तो ये आप थोड़ा देख लेना, सभी चीज़ें इसमें डिस्कस हैं, और जो आपको प्रॉब्लम आती है वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको थोड़ा सा बताते जाएँ यहाँ पर, कि इनकी प्रैक्टिस आप करते जाइए। ठीक है, क्लियर हुआ ये, तो या ये सभी आप देख लेना और जो भी डाउट है बाद में पूछ लेना।